चैप्टर टू ऑफ क्लास एट दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एज यू नो अबाउट मच अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे दिखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, क्या फीचर्स हैं उनके, कहाँ पे मिलते हैं, यू नो मच अबाउट देम, राइट। एंड अब आप इस फिगर को देख पा रहे हो, तो हमने एक बार जब पहले भी चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने ये फिगर देखी थी, तो तब आप इतने फैमिलियर नहीं थे, पर अभी आप इस फिगर को देख के आप आसानी से पहचान सकते हो व्हाट दिस फिगर इज इंडिकेटिंग। दिस इज अ बैक्टीरिया, अ रॉड शेप्ड स्फेरिकल बैक्टीरिया, राइट। दिस इज अ यीस्ट, अनदर काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस इज अगेन अ बैक्टीरिया। तो आप पहचान सकते हो ना कि ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पिक्चर्स हैं। So now we are going to start with the useful microorganisms, that how they can be useful to us. So first we are starting about the useful bacteria, कि bacteria आपके काम कैसे आ सकते हैं, right? पहली बात तो बहुत सारे bacteria जो हैं वो decomposers की तरह काम करते हैं। Decomposers का मतलब क्या होता है? They feed on dead and decaying organic matter. कोई भी plant या animal से बना हुआ matter होता है organic matter, तो कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जो खराब हो रहा है या खराब हो चुका है उस पे फीड करते हैं ये, और फीड करके दे एक्चुअली रिलीज न्यूट्रिएंट्स आउट ऑफ दिस मैटर एंड ऐड दिस न्यूट्रिएंट इनटू सॉइल, एयर, वाटर एक्सेट्रा। मतलब न्यूट्रिएंट पूल के अंदर न्यूट्रिएंट को ऐड करना बाय डीकम्पोजिंग द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, राइट। तो एक तरह से ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में हेल्प करते हैं, एंड दे एक्ट एज डीकम्पोजर्स, देयरफॉर दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। दूसरी बात, कुछ बैक्टीरियाज की पावर है दैट दे आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब ऐसा है कि प्लांट को ग्रो करने के लिए इट रिक्वायर्स मेनी न्यूट्रिएंट्स, आउट ऑफ इट नाइट्रोजन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट विच इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर इट्स ग्रोथ। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं हमारे पास जिनके रूट के नोड्यूल्स पे, एज यू कैन सी इन द फिगर, दिस इज वन ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट, दिस इज वन ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जिनके रूट्स में ऐसे नोड्यूल्स दिखते हैं, दीज आर ऑल नोड्यूल्स। इन नोड्यूल्स के अंदर एक स्पेशल तरह का बैक्टीरिया होता है, दैट इज राइजोबियम। ये जो बैक्टीरिया इन नोड्यूल्स में होता है, इट एक्चुअली हैज अ पावर टू फिक्स द नाइट्रोजन, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। सो इट इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स, और ये किसमें हेल्प करता है? नाइट्रोजन फिक्स करके नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर एड करता है। तो आप कह सकते हो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मतलब सॉइल के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स रहे, जिसमें से नाइट्रोजन भी एक है, उसके कंटेंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कुछ बैक्टीरियाज दे हेल्प इन ट्रीटिंग सीवेज, और सीवेज को ट्रीट करके दे हेल्प इन प्रोड्यूसिंग द बायोगैस। आपको पता है कि बायोगैस एक फ्यूल है, राइट। और ये बायोगैस आप अलग अलग पर्पसेस के लिए एज अ फ्यूल यूज करते हो, तो ये बायोगैस कैसे प्रोड्यूस होती है? सीवेज को, जो बायोगैस प्लांट्स होते हैं उनमें सीवेज का यूज होता है, वहां पे बैक्टीरियाज अपने आप डिवेल्प करते हैं, इसको डीकम्पोज करते हैं, और एज अ रिजल्ट व्हाट यू गेट इज अ फ्यूल दैट इज बायोगैस, अ सेफ फ्यूल विच कैन बी यूज फॉर मेनी पर्पसेस। ऐसे ही बहुत सारे हर्बीवोर्स हैं। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? जो कि प्लांट्स खाते हैं, राइट, विच फीड ऑन देयर प्लांट ईटर्स, यू कैन से। तो बहुत सारे हर्बीवोर्स के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया स्टमक में विच कैन एक्चुअली हेल्प इन डाइजेस्टिंग दी सेलुलोज, विच कैन एक्चुअली हेल्प इन डाइजेस्टिंग दी सेलुलोज, बट वी आर लैकिंग दैट काइंड ऑफ बैक्टीरिया। हम ह्यूमंस के अंदर वो बैक्टीरिया नहीं है, राइट, लेकिन जो हर्बीवोर्स हैं दे हैव सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया इन देयर स्टमक विच कैन एक्चुअली डाइजेस्ट दी सेल वॉल ऑल्सो। प्लांट्स की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है ना, तो दे कैन एक्चुअली digest the cellulose of the cell wall as they are having the digesting bacteria, a special kind of bacteria in their stomach. तो इसका मतलब herbivores में ये बहुत important काम कर रहे हैं, they are actually helping in the digestion of the cellulose. कुछ bacteria ऐसे हैं, they help in making the antibiotics like penicillin, they are helping in making the antibiotics. और आपको पता है antibiotics आप क्यों खाते हो? Antibiotics are always taken in order to prevent the growth or suppress the growth of the microorganism.
सपोज आपको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया और उससे आपको कोई डिजीज हो गई, तो व्हाट डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब, ऑब्वियसली द डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब यू टू टेक द एंटीबायोटिक्स. तो एंटीबायोटिक्स का ये काम है कि एंटीबायोटिक्स व्हेन यू टेक, सो दे एक्चुअली सप्रेस द ग्रोथ या फिर कोई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टॉक्सिन मटेरियल आपकी बॉडी के अंदर हार्मफुल सिक्रीशन कर दिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जिसके कारण आपको डिजीज हो रही है, तो उसकी ग्रोथ को या उसकी टॉक्सिसिटी को खत्म करते हैं. सो दीज आर व्हाट द एंटीबायोटिक्स. तो एंटीबायोटिक्स यू कैन से दे आर द केमिकल्स व्हिच आर एक्चुअली व्हेन टेकन दे सप्रेस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और दे जस्ट मेक द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनएक्टिव. तो किसी भी तरीके से वो काम करे, दे आर जस्ट हेल्पिंग अस टू सेव अस फ्रॉम द डिजीज. ऐसे ही कुछ बैक्टीरियाज ऐसे है, दे हेल्प इन मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक विनेगर, इथेनॉल एक्सेट्रा. एज यू कैन सी दिस पिक्चर इज इंडिकेटिंग अ विनेगर, जिसको आप कॉमनली सिरका की तरह कहते हो, एंड यू नो दैट इट इज अ काइंड ऑफ प्रिजर्वेटिव ऑल्सो, और आप इसको फूड के अंदर भी यूज करते हो, राइट. तो बैक्टीरियाज आर हेल्प इन मेकिंग दीज काइंड ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक विनेगर, इथेनॉल एक्सेट्रा. फ्यू बैक्टीरियाज दे आर यूज इन टैनिंग ऑफ लेदर, दे आर यूज इन द टैनिंग ऑफ लेदर, एंड सम बैक्टीरियाज आर ऑल्सो यूज इन रिसर्च एज अ रिसर्च टूल्स ऑल्सो. सो बैक्टीरियाज तो आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली सर्विंग अ इंपॉर्टेंट यूज इन ईच एंड एवरी इंडस्ट्री, ऑलमोस्ट इन एवरी इंडस्ट्री, इन एवरी फील्ड, राइट. तो बैक्टीरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी यूजफुलनेस तो बहुत ज्यादा है, जो कि आपने देखा भी है अभी कि कहां कहां पे ये कितने इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं. ऐसे ही कुछ बैक्टीरियाज जो है हमारे पास, दे प्रमोट्स कर्ड फॉर्मेशन. अब कैसे आप कर्ड कैसे बनाते हो, आप दूध लेते हो, यू टेक मिल्क, राइट. इसको आप थोड़ा सा गर्म करते हो, थोड़ा सा वार्म करते हो, फिर आप इसके अंदर एक स्पून दही का डालते हो, राइट. आप इसके अंदर एक स्पून दही का डालकर इसको मिला देते हो, एंड देन यू कवर इट एंड स्टोर इन अ वार्म कंडीशन. तो क्या होता है कि जब आप इसके अंदर कर्ड का स्पून डालते हो थोड़ा सा, तो कर्ड के अंदर एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है. कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस. ये बैक्टीरिया पूरा का पूरा दूध को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है. तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया इज प्रमोटिंग अ कर्ड फॉर्मेशन, इट इज टर्निंग मिल्क टू कर्ड, सो ऑब्वियसली दे आर हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड ऑल्सो. ऐसे ही दे आर यूज इन द बेकिंग इंडस्ट्रीज ऑल्सो फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज, केक्स एक्सेट्रा. तो ये जो आप इनको पेस्ट्रीज, केक्स, ब्रेड्स जो आप इंजॉय करते हो, दीज आर ऑल एक्चुअली मेड बाय द यूज ऑफ द बैक्टीरिया, राइट. तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपको बैक्टीरिया करके ही मिल पाते हैं. Now we are going to focus on useful fungi. जैसे कि आपने फंजाई के बारे में भी पढ़ा है, तो फंजाई कैसा दिखता है आपको पता है. Now we are going to study that how fungi is useful to you. पहली चीज तो they are again acting as a decomposer. मतलब normally सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज करते हैं, so fungi is also one of it that ये भी dead and decaying organic matter पे feed करके nutrients को nutrient pool में add करता है, ताकि न्यूट्रिएंट रिसाइकिल हो पाए. ऐसे ही इट इज यूज इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स ऑल्सो. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि एंटीबायोटिक्स आर दोज मेडिसिन विच आर टेकन इन ऑर्डर टू सप्रेस द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द क्योर विल बी द परफेक्ट वर्ड इन ऑर्डर टू क्योर द डिजीज. सो दिस इज वॉट यू टेक फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज एंटीबायोटिक्स, राइट. तो फंजाई से भी एंटीबायोटिक्स इस तरीके के बहुत सारे बनते हैं, विच आर एक्चुअली टेकन अगेंस्ट मेनी डिजीजेस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दोज डिजीजेस. ऐसे ही यीस्ट जो है, इट इज यूज इन मेकिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड ब्रेड, इडली एक्सेट्रा. यीस्ट इज अ काइंड ऑफ फंजाई जो कि बहुत जगह पे यूज होता है, जिससे आप अल्कोहलिक बेवरेजेस भी बना सकते हो, आप ब्रेड, इडली इन सब चीजों का बना सकते हैं. यीस्ट इज कॉमनली कॉल्ड एज खमीर. What is the yeast actually called? क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं, आपने आप पहचानते हो उनको, पर आपको उनका साइंटिफिक नेम नहीं पता होता, टेक्निकल नेम नहीं पता होता. सो यीस्ट इज वन ऑफ द काइंड. आप अपने घर पे भी जाके देखना, यू मस्ट बी, योर मम्मा मस्ट बी हैविंग दिस इन योर किचन, दैट इज कॉल्ड एज खमीर, राइट. सो यीस्ट इज एक्चुअली यूज इन मेकिंग द अल्कोहलिक बेवरेजेस, ब्रेड, इडली एंड मेनी मोर. और जैसे कि मैंने आपको बताया, दीज आर मशरूम्स, दैट इज एन एडिबल फंजाई. तो कुछ फंजाई ऐसे भी हैं जिनको आप खा सकते हो,
एंड एक्चुअली यू रियली एंजॉय इन ईटिंग देम, राइट? तो मशरूम से सब्जी भी बनती है, मशरूम से स्नैक्स भी बनते हैं, मशरूम पुलाव में भी डलता है. मशरूम इज एक्चुअली यूज इन मेनी काइंड ऑफ थिंग्स इन किचन, राइट? एंड फंजाई आर यूज इन अ रिसर्च वर्क ऑल्सो. फंजाई इज लाइक बैक्टीरिया, दे आर ऑल्सो यूज इन अ रिसर्च वर्क. दिस इज हाउ द यीस्ट लुक्स लाइक. तो आज आप घर जाएंगे तो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट दैट डू यू हैव दिस काइंड ऑफ थिंग इन योर किचन और नॉट. और अगर आपके पास है, जस्ट आस्क योर मदर कि वो किस किस चीज में इसको यूज करती हैं और किस किस तरीके से ये क्या क्या चीजें बना सकता है, राइट? सो दिस इज वॉट इज यीस्ट एंड दिस इज वॉट इज अ मशरूम. नाउ वी हैव यूजफुल एल्गी. नाउ वॉट वी हैव इज अ यूजफुल एल्गी. पहली बात तो ये है कि जो एल्गी है आपको पता है ग्रीन है कलर में, तो ऑब्वियसली खाना बना सकता है. तो फोटोसिंथेसाइज करके इट एक्चुअली सप्लाई फूड टू एक्वेटिक एनिमल्स एंड एज अ रिजल्ट इट ऑल्सो रिलीजेस द ऑक्सीजन गैस ऑल्सो विच इज टेकन बाय द एक्वेटिक एनिमल्स. तो एक्वेटिक एनिमल्स को एक तो एल्गी से खाना मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रही है जिससे वो सांस ले सकते हैं. ऐसे ही रेड एल्गी इज अ काइंड ऑफ एल्गी, एज यू कैन सी इन द फिगर. दिस रेड एल्गी इज एडिबल इन मेनी कंट्रीज. ये खाया जाता है और रेलिश किया जाता है इन मेनी कंट्रीज. एक्चुअली ऐसे ही कुछ एल्गीज है, दे आर यूज इन मेकिंग टूथपेस्ट, जेलीज एक्सेट्रा. जैसे कि आप देख पा रहे हो, दिस इज अ टूथपेस्ट ऑब्वियसली. तो ये टूथपेस्ट के अंदर कुछ एल्गीज का यूज होता है जिससे ये टूथपेस्ट बनती है. देर आर फ्यू एल्गीज विच इनरिच द सॉइल ऑल्सो. कैसे इनरिच करते हैं? उसमें नाइट्रोजन वगैरह डालकर. लाइक वी हैव ब्लू ग्रीन एल्गी. ब्लू ग्रीन एल्गी इज अ काइंड ऑफ एल्गी विच कैन एक्चुअली एड नाइट्रोजन टू सॉइल, राइट? सो दिस इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ एल्गी. ऐसे ही कुछ एल्गीज जो है, दे आर सोर्सेज ऑफ आयोडीन एंड पोटैश. मतलब आप उसको खाते हो एंड दे सप्लाई मिनरल लाइक आयोडीन एंड पोटैश. फॉर एग्जाम्पल वी हैव ब्राउन एल्गी. सो दिस इज वॉट यू कैन सी इन द पिक्चर. दिस इज एक्चुअली इंडिकेटिंग द एल्गी. तो आप पहचान पाएंगे ना एल्गी को कि एल्गी कैसे दिखती है. ग्रीन कलर तो आपको पता लग ही रहा है कि इट कैन एक्चुअली फोटोसिंथेसाइज, और फोटोसिंथेसाइज करके तभी तो एक्वेटिक एनिमल्स को खाना दे पाएगा. एंड मोर ओवर इट इज कंसिडर्ड टू बी प्लांट. तो ऑब्वियसली ये सांस लेने के लिए आपको पता है कि CO2 इनहेल करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है विच इज टेकन बाय द एक्वेटिक एनिमल्स फॉर द रेस्पिरेशन.